ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ 10th ਚੈਪਟਰ 3rd ਟੂ ਪੇਅਰ ਆਫ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3rd, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੇਬ ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅੰਗੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? 160 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਅਤੇ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੇਬ, ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਿਆ, 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੇਬ ਅਤੇ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅੰਗੂਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ? 300 ਰੁਪਏ ਚ। 4 kg एप्पल प्लस 2 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू ₹300। मान लो सब तो पहले जो हम थोड़े को सवाल आ गया कि एक फ्रूट्स असं जो खरीद रहे हैं तो उस साढ़े को दिता है 2 किलोग्राम का या 1 किलोग्राम कट्ठे, जो सा दो फ्रूट ने उन्हों का कट्ठिया का रेट दिता हुआ है, असं दोवे अलग अलग कर लेना है। देखो असं लिखा मान लो 1 किलोग्राम सेब, सपोज द प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल, सपोज द प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल वो साढ़े को मानते हैं असं रूपीज एक्स। मान लो इस तरह ही असं 1 किलोग्राम अंगूरों की कीमत मान ली रूपीज वाई। ये असी एक्स वाई ज कुछ भी असी उ चीज़ रखनी है जिस दे विच भी इक्वेशन बनानी पसंद करते हो। तुसी एस टी रखना रख सकते हो, तुसी पी आर रखना रख सकते हो, जो भी तुसी मर्जी रख लो। ठीक है, ये साढ़े को आ गई 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत वाई। हम देखो पहली लाइन पर चलते हैं, सेब किन्ने ने 2 किलोग्राम, असी 1 किलो 1 किलो जी प्राइस जी मान चुके हैं, तो जिन्नी भी सानू दिती होवे बस असी उस गुणा च लिख लेना है 2x प्लस, फिर साढ़े को 1 किलोग्राम अंगूर है कला वाई लिखा अस बराबर आ जाएगा साढ़े को 160। ये आ जाएगी साढ़े को पहला बीजगणितिक। फिर किन्ने सेब ने 4 किलोग्राम, 4x प्लस अंगूर किन्ने ने 2 वाई आ जाएगा बराबर आ जाएगा 300। हम देखो 2 2 4 2 1 2 2 1 2 2 5 10 तो 0, इसको असं पहले डिवाइड करा 2 4x/2 प्लस 2y/2 बराबर 300/2। देखो इसको कटिया 2 2 4 2 1 2 2 1 2 इधर बने 10 2 5 10, फिर साढ़े को आ गया 0। दूसरा जिहड़ा साढ़े कोल जबरिक एक्सप्रैशन आ जाता है, किहड़ा आ जाता है 2x + y = 150, 2x + y = 150। ये आ गया साढ़े को समीकरण 2। हुण असीं इसका ग्राफ भी बनाना है, आलेख खिंचना है, तो असीं इसके सब तो पहला पॉइंट लभांगे कि एक्स वाई के कि पॉइंट हैं जिन्हां दे नाल साढ़े कोल समीकरण जी 160 के बराबर रहिंदी है। वेखदे हां एक तो फ्रॉम इक्वेशन 1, असी इस देखो पहले क्वेश्चन के दूसरे असं की मनिया से कि एक्स नूं असी जिहड़ा मान रहे सी 0 या कुछ भी, इस वे असं की रखते हैं एक्स नूं सब तो पहला एक्स मानते हैं 0। हुण असी एक्स की वैल्यू जिहड़ी 1 समीकरण विच भरांगे, एक्स की जगह पर 0 आ जाएगा प्लस वाई इकला ही है वाई बराबर 160। 2 0 ना गुणा की 0, मतलब किसी भी वैल्यू 0 ना गुणा करोगे तो सीधा थोड़े को आएगा 0 ही आ जाएगा प्लस वाई बराबर 160। इस तो साढ़े को वाई कितना आ गया 160 आ जाता है। नाल ही असी इक्वेशन 1 का जिहड़ा सी जिहड़ा एक टेबल आ तैयार करते जावे एक्स अते वाई, एक्स 0 वाई 160, फिर एक्स नूं असीं मानते हाँ 10। ठीक है, एक्स 10 मानते हैं, 2 इतने 10 आ जाएगा एक्स की जगह पर वाई बराबर 160। ये कितना आ जाएगा साढ़े को 20 + y = 160 आएगा, वाई 160 माइनस बी, ये बी जो माइनस हो जाएगा, वाई बराबर आ गया 140। हम साढ़े को कितना सीगा 10 तो ये कितना आ गया साढ़े को 140। फिर एक्स बराबर मानते हैं असं 20 मान लें, देखो ये एक्स 0 10 20 असं रह रहे ना, जे तो थोड़े को सिंगल डिजिट दिता हुआ है इक्वेशन जी सिंगल डिजिट में, देखो इतने कितने 3 डिजिट आ रहे हैं, इतने 1 है, इस तरह ये देखो 3 डिजिट है 1 है, जे तो 1 डिजिट के इक्वेशन है थोड़े को 1 संख्या दी हुई है बस, तो तुम 0 1 2 3 रख लो, 1 2 3 रख लो, कुछ भी वैल्यूज रख लो, पर दोवें इक्वेशन जो वैल्यूज सेम रख के चलाना है। फिर जे 2 डिजिट हो जाते हैं थोड़े को तो तुम 10 20 30 रख सकते हैं, 0 10 20 रख लो, फिर 3 डिजिट होंगे तो 3 3 डिजिट कर सकते हो, 100 200 300,
किसी भी तरह थोड़ी जी लाइन है ग्राफ की उस कोई भी जरा वेरिएशन या फर्क जरा नहीं पाएगा। एक्स बराबर बी हम साढ़े को आता है दो एक्स की जगह से बी भरते हैं फिर साढ़े को आ गया वाई बराबर एक सौ सॉरी दो बी प्लस वाई बराबर एक सौ साठ ये साढ़े को आता है चाली प्लस वाई बराबर एक सौ साठ वाई बराबर आ जाता है साढ़े को एक सौ साठ माइनस चाली इस तरह वाई कि आ गया साढ़े को वाई बराबर आ गया एक सौ भी एक सौ साठ तो चाली माइनस भी एक सौ भी आ गया ये आ गया तो भी है तो साढ़े को कि आ जाता है एक सौ भी आ जाता है ये कि अभी साढ़े को इक्वेशन फस्ट का जो साढ़े को जो टेबल है वह बन गया। हूँ अभी आते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू हूँ समीकरण दो की गल करते हैं फिर इस तरह ही हम तो पहले एक्स बराबर की रखते हैं जीरो देखो एक्स जीरो रखिया इधर आए हूँ असी एक्स बराबर जीरो जो समीकरण दो भरते हैं यह है दो जीरो प्लस वाई बराबर एक सौ पचास ये साढ़े को क्या आएगा जीरो आ जाएगा हूँ असी यह चीज़ सीख चुके हैं ठीक है कि साढ़े को जीरो बन जाएगा तो साढ़े को सीधा वाई जो कि आ जाएगा एक सौ पचास आ जाएगा। दूसरा टेबल असं बनाते जाते एक्स और वाई एक्स जीरो वाई कि एक सौ पचास फिर एक्स लें असी दस हम एक्स दस लिया असी इतने भरते हैं दो इत दस जमा वाई बराबर एक सौ पचास ये आ गया साढ़े को गुणा हो गया भी जमा वाई बराबर एक सौ पचास ये आ गया वाई बराबर एक सौ पचास जमा माइनस भी देखो प्लस से भी इधर जाके माइनस हो गया साढ़े को बस साइन जरा चेंज करते जाना जो बराबर तो सज्जे खब्बे आना है अभी साइन में जरा बदल के ही आना है वाई बराबर कि आ गया साढ़े को एक सौ तीह यह आया साढ़े को दस तो ये साढ़े को आ गया एक सौ तीह फिर इस तरह असं एक्स बराबर लेंगे हाँ बी हम बी नी भरते हाँ कि बनता है साढ़े को एक्स बराबर बी ट्वेंटी दो इतने लिखते हैं बी प्लस वाई बराबर एक सौ पचास ये साढ़े को आ गया चाली प्लस वाई बराबर एक सौ पचास हूँ की आ गया चाली हूँ चाली माइनस हो जाएगा एक सौ पचास चो ये आ गया एक सौ पचास माइनस चाली वाई साढ़े को आ जाता है एक सौ दस हूँ साढ़े को दोनों जिहड़ियां इक्वेशन सी दोवें उन्हां दे जिहड़े एक टेबल जिहड़े वैल्यूज वाले साढ़े को बन चुके हैं तो हूँ असं रह गया कि इसका एक ग्राफ या आलेख खींचना रह गया तो इस नूं असीं एक ग्राफ पेपर ते वेखांगे। इक्वेशन असीं फस्ट लिखी हुई है इधर इक्वेशन सैकेंड लिखी हुई है इक्वेशन फस्ट के पॉइंट लिखे ले गए हैं तो इक्वेशन टू के पॉइंट जिहड़े वह भी लिख ले गए हैं तो असीं बना लिया अपने एक्स धुरा तो वाई धुरा बना ले हैं सानूं पता कि एक्स धुरे के खब्बे पासे साढ़े को ऋणात्मक संख्यावां घटाओ वाली संख्यावां नैगेटिव वैल्यूज़ होंदियां तो सज्जे पासे साढ़े को पॉजिटिव संख्यावां पॉजिटिव वैल्यूज जां धनात्मक संख्यावां होंदियां हैं तो वाई धुरे के उपर वाल साढ़े को धनात्मक संख्यावान तो नीचे वाल साढ़े को ऋणात्मक नैगेटिव एंड पॉजिटिव साढ़े को उपर वाल चल दियां हैं। सो पहली क्वेश्चन देखते हैं कि साढ़े को पॉइंट किन्ना है जीरो एक्स है तो वाई किन्ना है एक सौ साठ मतलब कि जो एक्स जगह तो जीरो भरिया से साढ़े को वाई किन्ना आया सी एक सौ साठ आया सी हुण ये असीं सीख चुके हैं कि सानूं पता है कि ये साढ़े को एक्स जीरो है तो सिर्फ असीं वाई का पॉइंट वेखना कि इतने एक सौ साठ है जो असीं ग्राफ बनाया जो डिवीजन किए असी बी बी के हिसाब नाल कीते जां जो साढ़े को जिहड़ियां वैल्यूज़ हैं सारियां वैल्यू साढ़े को ग्राफ दे विच आ जाण। हुण देखो साढ़े को एक सौ साठ ये पिया है इत्थे साढ़े को किहड़ा पॉइंट आ वो लग जाएगा जिस तरह पहले सवाल इस तरह ए साढ़े को ए पॉइंट है ए बी है ए सी है दूसरी क्वेश्चन साढ़े को की आएंगे डी ई ते एफ पॉइंट आएंगे इस तरह ए साढ़े को ए पॉइंट आया जो साढ़े को है जीरो कौमा एक सौ साठ फिर साढ़े को एक्स किन्ना दस वाई किन्ना एक सौ चाली देखो एक्स दस हूँ दस कितने साढ़े को जीरो रखो ये किन्ना जीरो तो बी तक मतलब कि ये साढ़े को बी पॉइंट्स हैं
दस इन दे बिल्कुल विचकार आएगा। ए जी विचकार वाली साढ़े को डार्क लाइन होगी, एक होगी साढ़े को दस, क्योंकि इस दस बॉक्स जोड़े छोटे छोटे आ रहे हैं जहाँ लाइनज़ आ रही हैं। तो एक कि बॉक्स हो किनू शो कर रहा है, दो नू, दो चार छे अठ दस बारह चौदह सोलह अठारह तो भी। इस तरह हम असी ये जो पॉइंट लगाया इतों असी उपर वाल जी एक लाइन है वो खिंचा वाई धुरे वाल लैके जाव, क्योंकि साढ़े को वाई 140 किधर पिया है उपर वाल पिया है। ये दे जरूर देखना कि पॉजिटिव है कि नैगेटिव है, पॉजिटिव वाई उपर हैगा नैगेटिव वाई जोड़ा वो नीचे वाल चलेगा। ये साढ़े को जिते दोवें लाइनज़ इंटरसैक्ट कीतियाँ कट्टियाँ एक दूसरे को, उत्थे साढ़े को बी पॉइंट बन जाएगा जो है साढ़े को 10,140। फिर देखते हैं साढ़े को बी तो 120, ये साढ़े को बी का पॉइंट है, 120 साढ़े को इधर पिया है, बी तो असं उपर वाल चलते हैं। ये जी आप एक जी लाइन उपर वाल खिंची, बी तो असी एक्स तुरे वाल वधे, तो दोवें लाइन साढ़े को इस पॉइंट पर कट्टिया गई, जो साढ़े को पॉइंट बन गया सी जो है साढ़े को बी कॉमा 120। ये जो साढ़े को इक्वेशन फस्ट है उसकी जोड़े पॉइंट तैयार हो जाते हैं लग के, इन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो साढ़े को जी एक इक्वेशन फस्ट की जी लेख है या रेखा है साढ़े को जी तैयार हो जाएगी। ये देखो जी साढ़े को एक लाइन तैयार हुई जो साढ़े को है 2x + y = 160 की रेखा। फिर दूसरी इक्वेशन वाल चलते हैं, साढ़े को एक्स किन्ना है 0, वाई किन्ना है 150। देखो एक्स 0 वाई 150, 150 देखते हैं 40, 140, 160 इस दे विचकार की आ जाएगा साढ़े को 150। ये जो पॉइंट साढ़े को आ गया डी, डी पॉइंट की है साढ़े को 0 ते 150 पॉइंट, ये साढ़े को जिहड़ा डी पॉइंट है। फिर साढ़े को ई पॉइंट की है 10, 130 एक्स 10 वाई 130, एक्स 10 है वाई 130 देखो 120 140, 120 दे 40 दे विच की आएगा साढ़े को 130। ये लाइन तो पहले साढ़े को लगी हुई है, इस पॉइंट तो बस असी जी एक लाइन है असी इधरली साइड से खिंच के मिला देनी है। ये साढ़े को जिहड़ा पॉइंट है साढ़े को किहड़ा आ जाता है, ई पॉइंट जिहड़ा साढ़े को आ जाता है जो है साढ़े को 10,130। फिर है साढ़े को बी ते 110, हुण बी लगा हुआ साढ़े को यह है 100, 120, 110 फिर ये विचकार आ गया साढ़े को, इसनों असी बी वाली लाइन के नाल मिलाते हैं। देखो जी असी ये रेखा जी इधर मिला दिती है, ये जोड़ा पॉइंट साढ़े को पट्ट गया, ये साढ़े को पॉइंट कि आ गया जी एफ पॉइंट जोड़ा साढ़े को आ जाता है जो साढ़े को बी कौमा 110। हुण असी अपने जो तीन पॉइंट बने हैं इन्हों मिला हैं, देखो इस तीन पॉइंट्स में असी मिलाया आपस में, तो दोवें पासे वाल असी उन्होंने वधा दिता गया। ये साढ़े को लाइन दो है वो तैयार हो जाती है। इक्वेशन कि आई साढ़े को 2x + y = 150 की जी लाइन है साढ़े को ग्राफ जोड़ा लेख है वह तैयार हो जाता है। हुण दोवें लाइनस में ज्यादा ध्यान ना देखो, इतने दोवों के डिस्टेंस देखो, इतने दोवों की डिस्टेंस देखो, दोवों की डिस्टेंस बराबर लग रहा है, यह तो मतलब कि ये दोवह लाइनों के विचकार जी दूरी है साढ़े को बराबर है। तो सूँ पता है जिन्हों रेखावान के विचकार दूरी बराबर रहती है, जिन्ना भी असं उन्होंने मर्जी बधाई जाइए, देखो इसमें असी बधा देंगे हाँ अगे वाल बधा देते हैं, इसमें असी बधा हाँ तो ये जो रेखा साढ़े को इस तरह तैयार हो जाती है अगे बढ़ के, इस रेखा बधाते हाँ तो ये रेखा भी साढ़े को इस तरह तैयार हो जाती है। देखो साढ़े को जो डिस्टेंस उन्ने बनी जा रहा है, यदि मतलब कि रेखावान की चल रही हैं समांतर चल रही हैं, सानू किस तरह पता लगेगा देखो क्वेश्चन साढ़े को ए1 किन्ना है 2, 2 बटा की आ जाएगा साढ़े को इधर भी, ए2 किन्ना है साढ़े को 2 बराबर भाई, इतने बी1 किन्ना है वाई दे नाल 1, बी2 किन्ना है वाई दे नाल 1, देखो साढ़े को दोवें बराबर आए, यदि मतलब कि ए1 वटा ए2 = बी1 वटा बी2 ये साढ़े को आ जाता है। इस तो असं देखते हैं कि सी1 सी2 के बराबर है या नहीं है, वो की है साढ़े को ये कॉन्सटेंट पे हैं बराबर 160 / 150 करके वेख लें। देखो 0 ने 0 कट्टी है 16/15, यदा मतलब कि ये दोवें तो बराबर इन्होंने कट के साढ़े को किन्ना गया 1/1, ये दोवें तो बराबर आ गए ने साढ़े को, पर यह तीसरे के बराबर जोड़ा कि साढ़े को अचल है वो बराबर नहीं आए, यदा मतलब कि साढ़े को C1/C2 जोड़ा बराबर उसके नहीं है। ये दोवें जो बराबर होंगे तो सूँ पता उदों लाइनज़ की होंगे ने साढ़े को
पैरेलल लाइंस या फिर असी कहांगे समांतर रेखावां। इस तरह जी साडे कोल जिहड़ा ग्राफ है वो सवाल नंबर 3 का तैयार होंदा है। थैंक यू।